रक्त तलाई पे, जिसे खून की तलाई भी कहते हैं। और आप ही बताया जा रहा है कि घोड़े ने वहां से छलांग लगाई थी उस जगह से, और इस तरफ यहीं पे महाराणा प्रताप की समाधि हुई थी, हल्दी घाटी। और अब मैं आपको उन शहीदों के रक्त दिखाने जा रहा हूं। तो गाइज आप वहां पर देखो, ये बीच बीच में जो लाल मिट्टी है, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है, यह वही रक्त है जो युद्ध के समय में हजारों वीर पुरुषों का यहाँ पर बह गया था। जो हमें पीला यहाँ पे जो पीली पीली सी मिट्टी दिखाई दे रही है, इस दर्रे को, जिस दर्रे में मैं अभी हूँ, इस दर्रे को बोलते हैं हल्दी घाटी का दर्रा, हल्दी घाटी कहा जाता है परी रोड। और तो अब मैं आपको एक बार नीचे जाता हूँ और उधर उस साइड जाके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो पहाड़ियों को काट के बिल्कुल ये बना हुआ है, इस दर्रे के बारे में, इस रास्ते के बारे में बात हुई है कि यहीं पर कुछ भील सैनिक महाराणा प्रताप के युद्ध के समय उन्होंने अपना सहयोग किया था और यहीं पे वो छुपे थे, और यहीं की मिट्टी पीली मिट्टी है, इसी कारण यहाँ का नाम हल्दी। गाइस मैं अभी हल्दी घाटी के भयानक उन जंगलों में हूँ, आप मेरे दोनों तरफ देख पा रहे हो, इधर जंगल ही जंगल है। और इन्हीं जंगलों में, इसी जगह पर हमारे प्रताप और अकबर के बीच, इन्हीं जंगलों के बीच में यहीं पे युद्ध हुआ। मैं आ चुका हूँ रक्त तलाई, जो कि अभी आपको म्यूजियम में देखने को मिली थी, रक्त तलाई पे, जिसे खून की तलाई भी कहते हैं। और आप इसकी सारी डिटेल वीडियो रोक के पढ़ सकते हो। और आपको इस खून की तलाई और रक्त तलाई के बारे में आज थोड़ी सी डिटेल देता हूँ। पुराना एक स्मारक बना हुआ है यहाँ पे कि है ये रक्त तलाई, जो कि एक गार्डन के रूप में है, आप देख पा रहे हो। और गाइस आप देख पा रहे हो तवरों की छतरी, यहाँ पर 1681 में यहाँ पर कुछ हमारे देश के वीर सूरवीरों की समाधि बनाई हुई है, और आप देख सकते हो गाइस ये वही रक्त तलाई है, वही खून का तालाब है, जहाँ पर युद्ध लड़ते लड़ते इतना रक्त बहा था हमारे देश के सूरवीरों का कि यह पूरा खून से भर गया था। इसलिए यहाँ इसे खून का तालाब या खून की तलाई भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप की गुफा है कि 1576 के समय की, आपको ऐसी गुफाएं दिखाने जा रहा हूं जिनमें महाराणा प्रताप अपनी गुप्त मीटिंगें करते थे। आपने आपको कुछ ऐसी गुफाएं और कुछ ऐसे भयानक और ऐसे रहस्यमयी बातें बताने जा रहा हूं, जो कि आज तक आपने कभी लाइफ में ना सुनी होगी, ना ही आपको किसी ने बताया होगा। तो आज आया हूं मैं महाराणा प्रताप की कुछ रहस्यमयी चीज़ें और कुछ ऐसी चीज़ें जो आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी। तो गाइज मैं जा रहा हूँ, देखो इतनी एक डेंजर और एक खतरनाक गुफा के अंदर, इसी गुफा के अंदर, हाँ गाइज इसी गुफा के अंदर महाराणा प्रताप इसी गुफा के अंदर रहा करते थे। और आप जैसा कि देख सकते हो यह पत्थरनुमा गुफा, हनुमान जी की मूर्ति है, और इस तरफ भी देखो इस तरीके से यहाँ पर यह बनी हुई है। यहाँ पर अंदर भी एक मंदिर है जहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, इधर जाना तो शायद अलाउड नहीं है और जाना सही भी नहीं है। तो मैं अब आपको इस साइड से, इस गुफाओं के रास्तों में से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से जंगल ही जंगल है, और इस तरफ है ये गुफाएं, और महाराणा प्रताप की यहाँ पे समाधि का स्मारक दिखाने जा रहा हूँ। महाराणा गाइस बताया जा रहा है कि घोड़े ने वहाँ से छलांग लगाई थी उस जगह से, और इस तरफ आप देख पा रहे हो यह है महाराणा प्रताप का एक स्मारक, यहीं पे महाराणा प्रताप की समाधि हुई थी। और कुछ इस तरीके का है, मैं अभी आया हूँ जैसा कि आपको पता है हल्दी घाटी, तो आपको एक बार यहाँ से चारों तरफ से यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ की मिट्टी पीली है, इसलिए यहाँ को हल्दी घाटी कहा जाता है। पहाड़ी के पीछे की तरफ देखोगे तो उधर है कोमलगढ़, जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, और वहाँ पर है म्यूजियम। उस साइड में देखेंगे तो उस साइड में ये पहाड़ के उसी साइड में ही अपने कुंभलगढ़ का फोर्ट है ना, जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, तो इसके जस्ट पीछे ही है। तो भैया आपको ले चलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। हम सब आनंद लॉ कॉलेज से आए हैं, और ये भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपने देश के गौरव इतिहास को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। प्लीज़ इनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ बच्चों ने बहुत ही आनंद किया सब लोग। ये हमारे राजस्थान वाले राम रस जी है, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके नंबर को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और सबको दिखाइए जो भैया दिखा रहे थे। मैं हूँ चिराग, और मैं राजस्थान से, यहीं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ, और अपना ये भैया हैं
राजस्थान वाला रामरस वाले भैया, तो इनको खूब सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और फिलहाल मैं यहाँ पे भैया मिले मुझे और हम यहाँ पे हल्दीघाटी के पास में आए हुए हैं, तो भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप गाइज आपको ये मेवाड़ का, महाराणा प्रताप का पूरा इतिहास, पूरे हिस्ट्री का ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बने रहो राजस्थान वाला रामरस के साथ।